हाय स्टूडेंट्स, आई एम दीपक रजौरिया। वेलकम टू माय चैनल फोकस क्लासेस। स्टूडेंट्स, अभी जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 3.6 से है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1। इसमें दिया है हम लोगों को, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। रितु डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर की डिस्टेंस 2 घंटे में कवर कर सकती है, एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। वहीं दूसरी तरफ 4 किलोमीटर अप स्ट्रीम भी 2 घंटे में कवर कर सकती है, ठीक है। फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, तो उसके तैरने की स्टिल वाटर में स्पीड बताइए, एंड द स्पीड ऑफ करंट, और साथ में करंट की स्पीड बताइए, ठीक है। सो जो भी दो चीज़ें हम लोगों को फाइंड करनी होती हैं उनको हम लोग क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। तो करते हैं लेट। सो यहाँ पे हम लोगों ने कंसिडर किया, लेट द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर इक्वल टू एक्स किलोमीटर पर आर, एंड द स्पीड ऑफ करंट इक्वल टू वाई किलोमीटर पर आर, ठीक है। अब यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, एक तो डाउन स्ट्रीम और ये दूसरा अप स्ट्रीम। पहले हम लोग इन दोनों वर्ड्स को एक बार समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। सो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, सपोज करिए ये हम लोगों की रिवर है, ठीक है, और इस रिवर का जो फ्लो है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और यहाँ पर ये बोट है। अगर बोट का भी फ्लो इसी डायरेक्शन में हो, इन मीन्स बोट का भी मूवमेंट या ऑब्जेक्ट का मूवमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो जिस डायरेक्शन में कोई भी रिवर फ्लो करती है, तो इसको बोलते हैं हम लोग डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है विथ फ्लो। विथ फ्लो मीन्स जिधर फ्लो है उस फ्लो के साथ में किसी भी ऑब्जेक्ट या बोट का मूवमेंट, क्लियर। अप स्ट्रीम का मतलब होता है कि आपकी रिवर तो इस डायरेक्शन में फ्लो करती है और आपकी बोट या कोई भी ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मीन्स फ्लो के अगेंस्ट। सो अप स्ट्रीम का मतलब होता है अगेंस्ट फ्लो, राइट। एक और चीज़ यहाँ पे हम लोगों को समझ लेनी है, सपोज करिए आपकी जो बोट है या कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी स्टिल वाटर में जो स्पीड है वो कितनी है, एक्स किलोमीटर पर आर, और रिवर जो फ्लो कर रही है या करंट जो फ्लो कर रहा है वो कितनी स्पीड से फ्लो हो रहा है, वाई किलोमीटर पर आर की स्पीड से हो रहा है। तो डाउन स्ट्रीम के केस में हम लोग क्या करते हैं, डाउन स्ट्रीम के केस में देखिए आपकी एक घंटे के अंदर बोट कितना मूव करेगी, एक्स किलोमीटर, रिवर कितना, रिवर का वाटर कितना मूव करेगा, वाई किलोमीटर। इसका मतलब एक घंटे के अंदर जो मूवमेंट होगा वो कितना होगा, यानी कि जो इफेक्टिव स्पीड निकल के आएगी वो क्या होती है, प्लस हो जाती है, बोट की स्पीड में प्लस कर देते हैं रिवर की स्पीड को। तो ये डाउन स्ट्रीम का केस है, ठीक है। अप स्ट्रीम के केस में हम लोग क्या करते हैं, बोट अगर एक्स किलोमीटर पर आर की स्पीड से मूव कर रही है और रिवर अगर y किलोमीटर पर r की स्पीड से मूव कर रही है, तो यहाँ पर जो इफेक्टिव स्पीड निकल के आती है वो क्या होती है, x माइनस वाई। मीन्स उस केस में, किस केस में, आप स्ट्रीम के केस में हम लोग क्या करते हैं, बोट या ऑब्जेक्ट की स्पीड में से स्ट्रीम या रिवर की स्पीड को माइनस कर देते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट हम लोगों को क्वेश्चन में यूज़ करना है अभी। तो दो चीज़ें हम लोग हमेशा फाइंड कर लेंगे जब भी क्वेश्चंस किससे रिलेटेड होंगे, वाटर के फ्लो से रिलेटेड होंगे। पहली चीज़ तो क्या, स्पीड डाउन स्ट्रीम। सो स्पीड डाउन स्ट्रीम कितनी होगी, अब देखो एक्स किलोमीटर क्या है, रोइंग स्पीड है, और करंट की स्पीड क्या है, वाई। तो दोनों को क्या करें, प्लस कर दें, तो ये होगी एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आर, ठीक है। और स्पीड अपस्ट्रीम ये कितना होगा, मीन्स बोट की स्पीड या ऑब्जेक्ट की स्पीड में से माइनस कर देते हैं वाटर की स्पीड या करंट की स्पीड को, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आर, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन में, दो केसेस यहाँ पे दे रखे हैं, सो वन बाई वन हम लोग दोनों केसेस में आते हैं। सो केस नंबर 1 में हम लोगों को क्या दिया है, ओके, केस नंबर में 1 में दिया है डाउन स्ट्रीम का केस है, 20 किलोमीटर क्या है, डिस्टेंस। इसका मतलब केस नंबर 1 में जो डिस्टेंस की बात करी गई है वो कितना है, 20 किलोमीटर, ठीक। 2 आवर्स, 2 आवर्स ये क्या है, टाइम। तो यहाँ पर टाइम कितना है इस केस में, 2 आवर्स, राइट, ओके। अब स्पीड कौन सा केस है, डाउन स्ट्रीम का केस है ना, तो डाउन स्ट्रीम के केस में स्पीड कितनी होगी, ओके, इस केस में जो हम लोगों की स्पीड है हम लोगों ने निकाला है कितना है, एक्स प्लस वाई, क्लियर है, एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आर। वी नो दैट डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इन टू टाइम। अब देखो हम लोगों के पास में डिस्टेंस भी है, स्पीड भी है और टाइम भी है, जस्ट क्या करें, वैल्यूज पुट कर देते हैं सिंपली। सो डिस्टेंस, डिस्टेंस के प्लेस पे कितना डिस्टेंस है यहाँ पे, इस केस में 20 किलोमीटर, स्पीड देखिए कितनी है,
एक्स प्लस वाई इन टू टाइम, देखिए कितना है टाइम हम लोगों को दिया है 2 आवर्स, ठीक है। सो अभी क्या करें, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इस 2 का अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दें। सो 20 इक्वल टू 2x प्लस 2y, ऐसा लिख सकते हैं इसको, या फिर इस साइड को इधर और इसको इधर, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 20। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, 2 इज़ द कॉमन फैक्टर, सो ऑन डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 2। सो जब 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x, 2 से इसको डिवाइड किया तो y, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 10, और ये तब बन गई हम लोगों की इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब आते हैं हम लोग केस 2 में। अब देखो केस 2 पे क्या है, किसका केस है, अपस्ट्रीम का केस है, ठीक है। ये क्या है, 4 किलोमीटर, ये डिस्टेंस है, इसका मतलब इस केस में जो हम लोगों को डिस्टेंस दे रखी है वो कितना है 4 किलोमीटर। नेक्स्ट 2 आवर्स, ये क्या है इस केस में, टाइम, सो टाइम अब हम लोगों के पास में कितना है 2 आवर्स, ठीक है। स्पीड, केस किसका था, अपस्ट्रीम का केस है ना, तो अपस्ट्रीम के केस में स्पीड कितनी होगी, एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आर। अब अगेन यही फॉर्मूला यूज़ करते हैं, सो जस्ट डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, टाइम पता है, सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देते हैं। सो डिस्टेंस इस केस में कितना है 4 किलोमीटर, स्पीड इस केस में कितनी है x माइनस वाई, और टाइम कितना दिया है 2 आवर्स। सिंप्लीफाई करते हैं, सो 4 इक्वल टू 2 का इधर मल्टीप्लाई किया तो 2x माइनस 2y, साइड को इधर लेके आ जाएं 2x माइनस 2y इक्वल टू 4, या फिर 2 से डिवाइड कर दें तो x माइनस y इक्वल टू 2, और ये बन जाती है हम लोगों की इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोगों के पास 2 इक्वेशंस है, दोनों को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सिंपली क्या कर दें हम लोग, 1 + 2 कर दें, ठीक है। सो बाई 1 + 2, इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 को प्लस कर रहे हैं, तो उससे होगा क्या, वाई एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वाई पॉजिटिव है और यहाँ पर वाई नेगेटिव है, ठीक है। तो कर देते हैं एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, और यहाँ पर है एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2, दोनों को क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। अब देखो पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये तो कैंसिल हो गया, एक्स और एक्स मिल के हो गया 2x, और 10 और 2 मिल के हो गया 12, इसका मतलब 2x इक्वल टू 12 है, देयरफॉर x इक्वल टू 2 को ट्रांसपोज कर दें तो 12/2 कितना आ गया 6, सो x इक्वल टू कितना है 6 किलोमीटर पर आर। ये हम लोगों ने पहली चीज़ निकाली। अब क्या करें, x की वैल्यू या तो इक्वेशन नंबर 1 या फिर इक्वेशन नंबर 2, दोनों में से किसी में भी पुट कर देते हैं, चलिए 1 में पुट कर देते हैं। सो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, तब हम लोगों को क्या मिलता है, तो x के प्लेस पर अब इस इक्वेशन में क्या रखना है, 6 प्लस y है, पुट करिए एंड दिस इक्वल टू 6, क्या निकालना है, अब y निकालना है, तो क्या करें 6 को ट्रांसपोज, सो y इक्वल टू 10 माइनस 6, तो y इक्वल टू आ जाता है 4 किलोमीटर पर आर, ठीक है। सो देयरफॉर द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आर एंड द स्पीड ऑफ करंट इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आर, और यही क्या है आंसर। आई होप स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में, टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।